भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मधुबनी जिला अध्यक्ष और विधान परिषद सदस्य घनश्याम ठाकुर पर गांव के ही रामचंद्र चौधरी ने जमीन खरीदने के बाद पैसे नहीं देने और धमकाने का आरोप लगाया है। मधुबनी जिले के बेनीपट्टी क्षेत्र अंतर्गत रामनगर परजुआर के रामचंद्र चौधरी ने एमएलसी पर जमीन निबंधन कराकर बकाया पैसे नहीं दिए जाने का आरोप लगाते हुए विधान परिषद के सचिव समेत कई अधिकारियों को आवेदन डाक के माध्यम से भेजा है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि उन्होंने 3 कट्ठा 4 धूर जमीन अपने ग्रामीण एमएलसी के हाथों 40,000 प्रति कट्ठा के हिसाब से 1,28,000 में बेचा, जिसमें 60,000 रुपये तत्काल दिए गए हैं और 68,000 जमीन निबंधन के बाद देने की बात कही गई थी, जिसके बाद उन्होंने एमएलसी के पुत्र भवतोष ठाकुर से सादा कागज पर हस्ताक्षर ले लिए। आवेदक ने बताया कि अब 20 दिनों में पैसे की मांग करता हूं तो घनश्याम ठाकुर और उनके पुत्र द्वारा झूठा मुकदमा किए जाने की धमकी दी जाती है। इस संबंध में जब एमएलसी घनश्याम ठाकुर से संपर्क किया गया तो उन्होंने कहा कि जमीन खरीद को लेकर उनको कोई जानकारी नहीं है, मेरे नाम से कोई जमीन निबंधन नहीं हुआ है। ऐसे में ये साफ प्रतीत हो रहा है कि हमारी राजनीतिक छवि को धूमिल करने के लिए ऐसा षड्यंत्र रचा जा रहा है। के खिलाफ आवेदन दे रहे हैं, क्या है पूरा मामला है? सर, मैं यहाँ पर आया, मेरे को कोई अभाव था पैसे की, तो मेरे पास जमीन था 3 कट्ठे, उनको बोला मैं बेच दूंगा प्रॉपर्टी, इसीलिए रखा जाता है। उनसे बात हुई 40,000 रुपये कट्ठा का, बोला 2.5 कट्ठा लूँगा, बोला ठीक है 2.5 कट्ठा ले लो। बात हो गई, सब पैसे दिए बैंक थ्रू और फिर गए जमीन लिखवाने के लिए, तो वहाँ दस्तावेज में देख रहा हूँ 3 कट्ठा 14 धुर का, 3 कट्ठा 4 धुर का, मतलब 14 धुर ज़्यादा। बोला हम तो रजिस्ट्री नहीं करेंगे, हम तो 2.5 कट्ठा की बात है, 2.5 कट्ठा करेंगे। उनका लड़का ने बोला ठीक है, यहाँ सब है ही, सब पंच भी हैं, हम लिख के दे रहे हैं आपको, घर पर जाके पैसा मैं दे दूँगा। तो वो भी साइन किए और पंच भी साइन किया जो गवाह बन के गया था वहाँ, वो भी साइन किए। बोला चलो गाँव वाला बात है, जो लिख के दिए तो पैसा दे देंगे। मैंने जमीन लिख दिया, लिखने के बाद में आया घर पर, बोला 1 हफ्ता का टाइम दीजिए, मैं पैसा व्यवस्था करके देता हूँ। आपसे जमीन को रजिस्ट्री करवाया? भवतोष कुमार ठाकुर, आशुतोष कुमार ठाकुर, घनश्याम जी एमएलए जी, एमएलसी जो है श्री घनश्याम जी, जी हाँ, उनका लड़का ने करवाया। पहले तो घनश्याम जी से बात करके ही गए थे सब आदमी यहीं से, घर से ही। उसके बाद में 1 हफ्ता में टाइम दिया, 1 हफ्ता के बाद में मैं गया वहाँ पर, उसमें मतलब 2 दिन के बाद आइएगा कर देंगे पैसे। तो गए 2 दिन के बाद तो क्या हो, पैसा दे दिया? नहीं, मिला ही नहीं उस दिन मिला ही नहीं। अभी मैं गया हूँ परसों तक, 3 दिन पहले जब गया हूँ, जब पैसा मांगा हूँ ना, तब एमएलसी साहब श्री घनश्याम ठाकुर जी ने हमको दबंगेरे दिखा, जाओ मैं कुछ नहीं जानता हूँ, लमसम में बात था, मैंने तुम्हारा पैसा जानता हूँ, हाँ नहीं तो ठीक कर दूंगा, मैं जाने माने सत्ताधारी का मैं नेता हूँ, एमएलसी हूँ। हम कहें सर अब एमएलसी हूँ, हमारा तो जमीन लिया हुआ, पैसे दे दो प्लीज़, हम तो इसीलिए भेजा हूँ ना, मैं इसीलिए जमीन बेचा हूँ जो अपना बाल बच्चे को भरण पोषण कर सकूँ या अपने खर्चा निकाल सकूँ। इसीलिए आप लगातार सभी जगह पे आवेदन दे रहे हैं? इसीलिए सब जगह पर आवेदन। कुछ कार्रवाई हुआ है अभी तक आपके आवेदन? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ सर, अभी तक कोई कार्रवाई। आप क्या मांग करते हैं? हम मांग करते हैं उचित, जो हमारा धमकी दे रहे हैं, जो पैसा दिया जाए, हमारा जो जमीन लिया है उसका लिखा है उस पैसा दिया जाए, और हमारा जान माल का सुरक्षा चाहिए, क्योंकि एमएलसी साहब है पावर में है, बोल रहे हैं, खुले धमकी दे रहे हैं। आपका परिचय? मैं रामचंद्र चौधरी, ग्राम रामनगर, पुष्ट परिवार, जिला मधुबनी, बिहार से हूँ। जमीनी विवाद में एमएलसी साहब का पूरा नाम उछाला जा रहा है, इसमें क्या है पूरा मामला? नहीं, एमएलसी साहब तो यहाँ पे इसमें कहीं भी नहीं है, मेरे पिताजी जिनसे हमारी बात जमीन जो बेचे हैं उसमें, तो हम और जमीन बेचने वाले हैं, पापा को ये चीज़ तो सारी बात जानकारी नहीं है, क्योंकि हम दो भाई घर पे रहते हैं, जमीन की बात हमसे हुई और हम दोनों भाई अपने नाम पे रजिस्ट्री करवाए। ये जो विवाद है ये किस प्रकार का है, उसमें पैसे के लेन देन के बारे में बताया जा रहा है जो आप लोग वहाँ पे? नहीं नहीं, पैसे के लेन देन के बारे में कोई ऐसा विवाद नहीं है, हमारे विरोधी पार्टी कुछ ग्रामीण और कुछ पार्टी के आदमी इनको सराह रहा है, और जब तक इनको पैसा नहीं देंगे तब तक ये हमको जमीन कैसे रजिस्ट्री करेंगे? आप ही बताइए, बिना पैसा का कोई जमीन रजिस्ट्री थोड़ी करता है। ऐसा बताया जा रहा है जो कुछ है, उन्होंने जमीन का पैसा बकाया था, जिन्होंने आपने बाद में कमिटमेंट किया था जो हम बाद में पैसा दे देंगे, और इसके बाद आप नहीं दे रहे हैं? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, अगर इस तरह की कोई बात हो तो सामाजिक पहल करके उनको बैठ के कहना चाहिए, ये कहीं ना कहीं राजनीतिक षड्यंत्र के साथ मेरे परिवार के साथ खेचर उछालने की कोशिश की जा रही है,
और ये कहीं ना कहीं राजनीतिक ढंग के, अगर समाज का बिना इन्फॉर्मेशन का कोई किसी के पास में मीडिया में जाके बोल दे कि इस तरह की बात है, तो ये मीडिया सत्यता जो भी हो समाज में आके पहल करनी होगी कि क्या मैं सही हूँ या गलत हूँ। आपका परिचय? मेरा नाम भक्तोष कुमार ठाकुर हुआ, मैं MLC साहब का बड़े पुत्र हूँ।